खबर झालावाड़ से अगली है। पिड़ावा कस्बे में दो बाइक में भिड़ंत के बाद तनाव की स्थिति और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन अब माहौल शांतिपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पिड़ावा पहुंची एसपी ऋचा तोमर और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ भी। पुलिस ने कस्बे में गश्त भी लगाई, लोगों से समझाइश की कोशिश की और ये अच्छी बात है कि थोड़ी ही देर के तनाव के बाद, आपसी समझाइश के बाद जो स्थिति थी वो बैक टू नॉर्मल हो गई। कुछ देर का तनाव, लेकिन इसके बाद अब क्योंकि पुलिस लगातार इलाके में गश्त भी कर रही है, समझाइश भी कर रही है, स्थिति अब सामान्य की तरफ। आज झालावाड़ के जो पिड़ावा थाना क्षेत्र है उसमें दो युवकों के बाइक टचिंग को लेकर विवाद हो गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस युवक के खिलाफ कंप्लेंट की जा रही थी उसको डिटेन भी कर लिया है। इसको लेकर कुछ लोग कस्बे में इकट्ठा हो गए थे जिससे कि माहौल थोड़ा संवेदनशील हो गया था, परंतु अब कस्बे में शांति है, पर्याप्त जाब्ता तैनात है और निगरानी जारी है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झालावाड़ से सहयोगी आरिफ इस समय जुड़ चुके हैं। आरिफ, कोशिश की गई पुलिस की ओर से जिसका नतीजा नजर आया और जल्द ही स्थिति को बैक टू नॉर्मल कर दिया गया, लेकिन विवाद आखिर क्या था? आरिफ, मसला क्या था? फिलहाल क्या पूरी तरह से मानकर चले कि स्थितियां ठीक है? ये झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में जो दो बैंकों की जो भिड़ंत हुई थी इसको लेकर बड़ा रूप ले लिया गया। बात करें दोनों भाड़ी भिड़ंत के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा थाने के घेराव कर वहां पर नारेबाजी की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने वहां से उनको हटाया। इसके बाद कुछ लोग एक युवक थे उसके मकान पे पहुंच के पत्थरबाजी भी करने लगे। पुलिस ने मामले की नजर लगा तो वहां से उनको हटाया है। साथ ही पूरे बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक एसपी ऋचा तोमर भी मौके पर पहुंची है, जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में कई थानों की पुलिस पिड़ावा कस्बे में पहुंची है। पुलिस गश्त लगा रही है। मामला शांत हो गया है, हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मामला तनावपूर्ण जो स्टार्टिंग में शुरू में एक घंटे डेढ़ घंटे जो मामला तनावपूर्ण था, शांतिपूर्ण माहौल है। पुलिस लगातार लोगों से अपील भी कर रही है शांति बना रखे, क्योंकि जिस तरह आपसी छोटी बात पे बड़ा मामला तूल हो जाता है, इसको पुलिस ने लोगों को समझाइश भी की। अब शहर कस्बे में शांतिपूर्ण है और पुलिस अधीक्षक है मौके पर नजर बनाए हुए हैं, जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। ठीक है आरिफ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।